मुरादाबाद के सिविलियन सी चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी में पूर्व छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी के संस्थापकों का ये कहना है कि हमारे इस कोचिंग संस्थान से कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग की है और अब वो सरकारी नौकरियों में अपनी जगह बना चुके हैं। ऐसे में सभी उन सारे विद्यार्थियों को आज आमंत्रित किया गया है और उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। हमारा मकसद ये है कि बेहतर शिक्षा का माहौल यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए। चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी के प्रांगण में सरकारी नौकरी में चयनित हो चुके चाणक्य के विद्यार्थियों का सम्मान समारोह रखा गया। विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर कार्यरत विद्यार्थियों को बुलाया गया। संस्थान के निदेशक केतन गोयल व सारंग गोयल ने सबको शील्ड देकर व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में आने वाले हर विद्यार्थी को उन्होंने मुख्य अतिथि वाला सम्मान दिया। हर किसी को मुख्य अतिथि वाला बैज लगाया और हर किसी के हाथों से दीप प्रज्वलित करवाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्व लेखपाल, रेलवे के विभिन्न विभाग, सरकारी शिक्षक, उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में स्टेनोग्राफर व क्लर्क, सेल्स टैक्स विभाग, आयकर विभाग, चकबंदी लेखपाल, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में स्टेनोग्राफर व क्लर्क, दिल्ली पुलिस, भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, ग्राम विकास अधिकारी और लगभग केंद्र व प्रदेश सरकार के सभी पदों के चाणक्य के विद्यार्थी कार्यक्रम में शिरकत करने आए हुए थे। चाणक्य में वर्तमान में पढ़ रहे विद्यार्थियों ने अतिथियों के लिए कुछ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संस्थान के डायरेक्टर सारंग गोयल ने बताया कि चाणक्य के छात्र आज देश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं और पूरे देश में मुरादाबाद का और चाणक्य का नाम रोशन कर रहे हैं। सम्मान पाने के बाद विद्यार्थी फूले नहीं समा रहे थे। कुछ विद्यार्थी जो पुलिस विभाग में, भारतीय सेना में और पैरामिलिट्री फोर्स में अपना योगदान दे रहे हैं वो नहीं आ पाए थे, लेकिन उनकी जगह उनके घर वालों ने सम्मान प्राप्त किया और अपने घर को बच्चों की वजह से उन्हें जो सम्मान मिला उसकी वजह से उनकी खुशी दर्शनीय थी। चाणक्य कोशिश करता है कि हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम कर सके जिससे विद्यार्थियों का हौसला बढ़े और वर्तमान में चाणक्य में पढ़ रहे हैं उन्हें आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिले। आगे भी इस तरीके के सम्मान समारोह करने के लिए और देश को आगे बढ़ाने वाले नवयुवक और युवती देने के लिए चाणक्य प्रतिबद्ध है। इस मौके पर चाणक्य के सभी स्टाफ, विद्यार्थी व सम्मानित होने वाले विद्यार्थी मौजूद रहे। ये जो कोचिंग संस्थान है इसका नाम है चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी, जो कि पूरे मुरादाबाद शहर का एकमात्र संस्थान है जो सन 2009 से पिछले 11 साल से चल रहा है और सरकारी नौकरियों में विभिन्न विभागों में हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और उनकी नौकरियों को लगवाने में उनकी मदद करते हैं। तो आज क्या कार्यक्रम? ये कार्यक्रम जो है इसको हम कहते हैं सम्मान समारोह। ये कार्यक्रम हम हर वर्ष करते हैं और हम हर वर्ष उन बच्चों को बुलाते हैं जो हमारे यहाँ से पढ़ के और सरकारी नौकरियों में चयनित होते हैं विभिन्न विभागों में। तो हर साल हम उनको बुला के और उनको मुख्य अतिथि के तौर पे रख के हम उनका सम्मान करते हैं। लगभग कितने लोगों को सम्मानित किया है? हर साल हमारे यहाँ से लगभग 100 से 150 बच्चे सरकारी नौकरियों में चयनित होते हैं और क्वालिफिकेशंस लगभग 1000 से 1500 क्वालिफिकेशंस रहते हैं विभिन्न कोर्सेज में। तो इस बार भी हमने सभी बच्चों को बुलाया है और लगभग क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पुलिस विभाग में हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं जो नहीं आ पाए हैं तो उनके घर वाले आए हैं। तो करीब 70 से 80 बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम।